दोस्तों, अगर आपने ट्वेल्थ किया है और आप कुकिंग लाइन में इंटरेस्ट है आपका, और आप सोच रहे हैं कि मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है और मैं कुकिंग में ही अपना फ्यूचर आगे बनाना चाहता हूं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करूँगा कि आपको मर्चेंट नेवी में किस तरीके से एंट्री करनी पड़ेगी, कि कैसे आपका मेडिकल होगा, कैसे आपको ट्रेनिंग मिलेगी, कौन सी एकेडमी में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, जब आप शिप पे जाएंगे तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी, कोर्स का क्या नाम रहेगा, ये सारा मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो पूरा देखिए, और इन केस अगर आपके मन में कोई डाउट आए तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, ये कोर्स का नाम है CCMC कोर्स। जो लड़के ट्वेल्थ कंप्लीट कर चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि मर्चेंट नेवी के लिए, तो उनके लिए सबसे बेस्ट कोर्स यही है, CCMC कोर्स। वो ये कोर्स कोई से भी एकेडमी में कर सकते हैं। आपको एकेडमी हर जगह मिल जाएगी, बॉम्बे में मिल जाएगी, दिल्ली में मिल जाएगी, कोचीन में मिल जाएगी, विशाखापट्टनम में मिल जाएगी। आपको सिर्फ गूगल के ऊपर में सर्च करना है, या तो आप मेरा एक वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैं एकेडमी के बारे में मैं बताया हूँ कि आप किस तरीके से एकेडमी सर्च कर सकते हैं। DG वेबसाइट के ऊपर में जाके आप एकेडमी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, जब आप एकेडमी में जब जाइएगा तो उससे पहले आप सारी जानकारी उनसे ले लीजिएगा, और आप पहले के बैच वालों से भी पता कीजिएगा कि ये किस तरीके की एकेडमी है। मेरे हिसाब से मर्चेंट नेवी की सारी एकेडमी अपने लिए बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ाती है, ताकि वो बच्चे आगे फ्यूचर में उनके काम में आ सके। पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस एकेडमी में जाइए और वहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए, उधर के बच्चों से मिलिए कि इधर कैसे पढ़ाई होती है। हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिफरेंट रहता है। तो आपको अगर बॉम्बे में करने का है तो बॉम्बे में भी कई सारी एकेडमीज हैं, आप वहाँ पर जाइए। जैसे बॉम्बे में मैं मोटे तौर पर ले लेता हूँ नाम, जैसे BP मरीन हो गई, TS रहमान हो गया, नूसी हो गया, एंग्लो हो गई, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी एकेडमी है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन मेरा एक और बार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप पहले उस एकेडमी में जाइए। अगर आप बॉम्बे में करना चाहते हैं तो उस उधर के 3-4 एकेडमी में आप सर्च कीजिए कि आपको CCMC कोर्स करना है। रिसेप्शन पे जाइए, उनसे पूछिए कि मेरे को सर CCMC कोर्स करना है, इसके बारे में मेरे को आप बताइए, तो वो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। और इसमें मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे आप CCMC कोर्स कर रहे हैं, CCMC कोर्स करने के बाद में जो कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी, वो कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी 6 मंथ्स की, 6 महीने का आपको ये छोटा सा कोर्स है। 6 महीने आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ट्रेनिंग में आपको सब चीज़ सिखाते हैं, बेसिक कोर्स बेसिक चीज़ सिखाते हैं, शिप पे चढ़ने के लिए शिप का कैसे माहौल रहता है, वो सारी ट्रेनिंग आपको 6 महीने में एकेडमी वाले प्रोवाइड कराते हैं। अब एकेडमी में ट्रेनिंग करने से पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। आप पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम का पता कीजिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है। ये साल में 2 बार होता है। आप एकेडमी में जाइए, एकेडमी वाले आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होगा, सबसे पहला पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए एंट्रेंस के बाद में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे। आपको 12th पास होना चाहिए, वो भी 40% से अबव आपके परसेंटेज होने चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश आपको आनी ज़रूरी है। इंग्लिश इसलिए आनी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो शिप होती है ये वर्ल्ड वाइड है, हर जगह जाती है ये। तो इसमें इंडियन क्रू भी आते हैं, फॉरनर्स भी आते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन करना आना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन मस्ट है। तो उसके लिए इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो आपको हर जगह आपको वो हेल्प करेगी। तो आपको 12th पास होना चाहिए, जिसमें 40% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया कि आपका इस स्कूल के बाद में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ये भी मैं बता दिया हूँ कि आप एकेडमी में जाएंगे तो एकेडमी वाले आपको बताएंगे कि किस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम कब कब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों, ये दो आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। अभी आपकी एज 17.5 साल से लेके 25 साल की बीच में होनी चाहिए। इस बीच में आप ये कोर्स का एंट्रेंस दे सकते हैं, ये कोर्स आप कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आप हो गए हैं तो फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है।
तो आप ध्यान में रखिए 17.5 साल से 17.5 साल से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब दोस्तों मैंने पहला पॉइंट आपको बता दिया है, कोर्स की ड्यूरेशन कितने महीने की रहेगी आपको पता है, 6 महीने की रहेगी। आप 12th पास करने के बाद में परसेंटेज आपका कितना रहेगा वो भी मैं बता दिया हूँ आपको कि परसेंटेज आपको 40% के अबव होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है एज का, 17.5 साल से लेकर 25 साल की बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और दोस्तों अब मेडिकल के क्या क्राइटेरिया रहते हैं, मेडिकल का ये रहता है कि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए सी के लिए, ठीक है, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। और जब आपकी आईसाइट हो, जो आपकी आईसाइट जो चेक करेंगे डॉक्टर साहब वो चेक करेंगे, अगर आपकी 6x6 है तो चलेगा, 6x9 है तो भी चलेगा, लेकिन इसमें जो मेन है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, उसके बाद में 6x6 परफेक्ट है, बहुत अच्छी है, 6x9 ना वो भी चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लियर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने आपको एक पॉइंट ये क्लियर कर दिया है कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, एज आपकी क्या होगी, मेडिकल का क्या रहेगा, आपको कौन सी एकेडमी चूज़ करनी पड़ेगी, आपको एकेडमी कहाँ मिलेगी। मैं एक और बार आपको बता देता हूँ, आप डीजी साइट पे जाइए, डीजी साइट पे आप जब चेक करेंगे तो आपको इंडिया के अंदर में जितनी भी रजिस्टर्ड हैं डीजे उधर एमएमडी में, वो सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी कि ये एकेडमी ये कोर्स कराती है, तो आप वहाँ से ईजिली आप पता कर सकते हैं। अब दोस्तों जो आप इतने देर से बैठे हुए थे, आप मेरा वीडियो देख रहे थे, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ने तो ये बताया नहीं कि जब मैं फर्स्ट टाइम में शिप पे जाऊंगा तो मेरा रैंक क्या रहेगा, मेरा सैलरी क्या रहेगा। दोस्तों मैं बता देता हूं, जब आप फर्स्ट टाइम में आप शिप पे जाएंगे, आपने ये कोर्स किया CCMC कोर्स, तो आप रेडी हो जाएंगे कुक के लिए। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम में जब शिप पे जाएंगे तो कंपनी आपको पहले चढ़ाएगी जनरल स्टीवर्ड में, उसके बाद में फिर आपका जनरल स्टीवर्ड जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GS, उसके बाद में आएगा जब आप उधर का शिप के बारे में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपका नेक्स्ट आएगा असिस्टेंट कुक, उसके बाद में फिर प्रमोट किया जाएगा आपको एज ए चीफ कुक। अब जनरल स्टीवर्ड की सैलरी क्या रहेगी और चीफ कुक की सैलरी क्या रहेगी, दोस्तों अगर आप कोस्टल में अगर सेल कर रहे हैं तो स्टीवर्ड की जो सैलरी होती है वो $300 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे कंपनी रहेगी वैसे आपको सैलरी कंपनी वाले प्रोवाइड करेंगे। और वही अगर ITF कंपनी में जाते हैं तो आप पकड़ के चलिए $500 या $600 के ऊपर ही, कि उनका स्टैंडर्ड इतना ही इससे ज़्यादा ही रहेगा। और जो कोस्टल रहेंगे, ऑफशोर वेसल रहेंगे, छोटे वेसल रहेंगे, उसका $300 आप पकड़ के चलिए, 300 या उससे अबव, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप सैलरी आपकी 300 कोस्टल में रहेगी और 600 या 500 आपका ITF कंपनी में जब आप शिप पे जाएंगे। और जैसे ही आप स्टीवर्ड से असिस्टेंट कुक जाते हैं तो कंपनी के ऊपर में डिपेंड करता है, वो आपको $1,000 दे सकती है, $1,500 दे सकती है, और अगर आप चीफ कुक जाएंगे तो $1,800 भी आपको मिलेगा, $2,000, जैसे कंपनी आपको मतलब आपका एक्सपीरियंस देखेगी कि हाँ आपके पास में ये एक्सपीरियंस है कि आप हर तरीके का खाना बना सकते हैं, तो वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से सैलरी कंपनी देती है। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको कोई सा भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।